नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग बहुत खुश हो। हम सब अक्सर ये सुनते हैं कि हीलिंग करनी बहुत जरूरी है, हीलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। बट ये हीलिंग 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 हम सुनते हैं, बट हमें पता नहीं होता हीलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। आज मैं एग्जैक्टली हीलिंग क्या होता है, वो प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में आप लोगों से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, जैसे आप देख रहे कि यहाँ पिरामिड बनाया हुआ है। ओके, यू कैन हैव अ क्लोजर लुक। तो इसमें मैंने कुछ स्टेजेस बना के रखे हैं, जैसे पिरामिड का जो शेप आप देखते हो, तो दोनों तरफ से जो एनर्जीज आती है वो एक साथ आ जाती है, देन इट बिकम्स मोर पावरफुल। सो ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी आप लोगों को डिटेल में। सो फाइंडिंग योर पर्पस, हम जन्म तो लेते हैं बट हमारा पर्पस क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जब बच्चे होते हैं तो मॉम डैड का सुनते हैं, कॉलेज में जाते तो प्रोफेसर्स का सुनते हैं, फ्रेंड्स का सुनते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं हम हमारे बॉसेस के एंड कलीग्स का सुनते हैं, फिर शादी होती है बीवी का सुनते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे तो सुनते रहते, बट हम इन सब में भूल जाते कि हमको हमारी आवाज़ भी सुनना उतनी ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। बट हम बस हमें पैसे कमाने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, वो सारी बात सही है, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ फाइव मेन एस्पेक्ट्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। हम ये बाकी चारों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते, पूरी ज़िंदगी हमारी जो है वो हम काम करते, बट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में हम सोचते ही नहीं है। सो ये पिरामिड आप लोगों को हेल्प करेगा समझने में कि वॉट एग्जैक्टली हीलिंग इज़ एंड हीलिंग की क्यों ज़रूरत होती है एंड स्पिरिचुअलिटी कितनी हमें हेल्प करती है हमारी ये हीलिंग प्रोसेस में। सो सबसे पहले जो हमारा स्टेज आता है, दैट इज़ कॉन्शियस अवेयरनेस। सो समथिंग नीड्स टू चेंज। फर्स्ट यू हैव टू कम इन अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड कि अभी कुछ चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम बस भागते रहते। जैसे मैं तो बोलती हूँ कि कोविड जो आया उस वजह से हमें एटलीस्ट थोड़ा ठहराव मिला ये जानने के लिए कि हमें खुद के अंदर झांकना है, या हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, या बहुत सारे औरतों ने तो बहुत रेसिपीज करी, इवन हस्बैंड्स ने भी आई एम श्योर खाना बनाने में या बीवियों को मदद की, बच्चों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सो एक ठहराव आने की वजह से सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हमें टाइम मिला। सो आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो हाउ इट गोज द स्टेजेस आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। कॉन्शियस अवेयरनेस, समथिंग नीड्स टू चेंज। जब हीलिंग आपको करनी होती है तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ना कुछ बदल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन द सेकेंड स्टेज इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो हीलिंग करने के टाइम कि अब मुझे चेंज करना है। अब चेंज हम बोलते कि हमें चेंज करना है, खुद को बदलना है, बट बदलोगे आप तब जब आप वो खुद में चेंज लाओगे। सो इफ यू वॉन्ट टू सी द चेंज, यू हैव टू बी द चेंज। सो हीलिंग में जब आप कोई हीलर के पास जाते हो या कोई काउंसिलर के पास जाते हो, वो आपको जो चीजें बताते हैं, दैट चेंज, दैट ट्रांसफॉर्मेशन शुड हैपन। ओके, सो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ हीलिंग और एनी हीलिंग मोडालिटी, दैट आई नीड टू चेंज समथिंग इन मी। फिर आता है सेल्फ फॉरगिवनेस कि आज तक बचपन से लेकर अभी तक हमने खुद को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया होता है, या लोगों को ग्रांटेड लिया होता है, हम हर्ट करते हैं, हम खुद को भी बहुत बार ग्रांटेड लेके हर्ट कर देते, कुछ भी बोल देते। सो हीलिंग की थर्ड स्टेप है कि हमें खुद को सेल्फ फॉरगिवनेस करना है, जहाँ होपोनोपोनो काम आता है, एंड वो सेल्फ हीलिंग मोडालिटी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। तो आप सेल्फ फॉरगिवनेस में जाते हो, दैट आई एक्सेप्ट एंड फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वॉट एवर आई हैव डन, बट नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज, बिकॉज नाउ आई फील दैट कॉन्शियसली आई एम कमिंग इन अवेयरनेस टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। देन द फोर्थ स्टेज इज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग जितने भी इमोशंस, एंग्जाइटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कॉम्पिटिशन, ये सारी बिखरी हुई रहती है एनर्जीज, उन सबको हम क्लब करके एक साथ लाते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हम ग्राउंडिंग तभी फील करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। सो ग्राउंडिंग, दैट आई फील सेफ, आई फील ग्राउंडेड, एंड नेक्स्ट स्टेप इज जॉय, दैट आई एम हैप्पी। सो ये एक पिरामिड जो है, जो आपको हीलिंग क्या है ये समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम ये जो पिरामिड है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? थ्रू चक्रा हीलिंग, बिकॉज चक्रा हीलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जैसे अगर आप कोई भी पेड़ को देखो तो उसके रूट्स अगर मजबूत होंगे तो वो पेड़ बहुत अच्छा मजबूत होगा, उसमें फल फूल अच्छे आएंगे। बट अगर रूट्स ही वीक है तो वो पेड़ है तो वो ऑफकोर्स, या बिल्डिंग भी देखो आप, फाउंडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन ही आप उसके ऊपर पिलर्स एंड फ्लोर्स खड़े कर सकते हो।
सो चक्रा हीलिंग मेरे हिसाब से, मेरे लिए जो मेरी ये जर्नी में, मेरे जो 8 साल की जर्नी थी, उसमें मुझे चक्रा हीलिंग ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया एंड एक बहुत अलग नई दिशा दी. सो चक्रा इज अवर यू नो आई कैन से रूट्स, कि अगर अंदर ही अगर सब अच्छा है, अंदर ही स्ट्रांग है, चक्राज मेरे स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, ओपन है, तो ऑफकोर्स आई कैन कॉन्कर, आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट. सो चक्रा हीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो आप सोचते हो वही आपके साथ होता है. योर वर्ड्स बिकम योर थॉट्स एंड योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी. सो हीलिंग की ये प्रोसेस है. हीलिंग आप कोई भी मेरे पास आते हो तो यही स्टेजेस में से हम जाते हैं. हीलिंग विथ फीलिंग व्हेन इट कम्स, डेफिनेटली यू एंजॉय द ब्लिस एंड हैप्पीनेस. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैं वीडियो शॉर्ट्स बनाती हूँ और ज़्यादा लंबे नहीं बनाती हूँ, बिकॉज फिर लोगों का जो थ्रेशहोल्ड है वो सुनने के लिए भी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती है, स्पेशली विद द स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल. बट स्पिरिचुअलिटी को बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं, मुझे आप लोगों के पास पहुँचाने में बहुत खुशी मिलती है. एंड आई एम अ चक्रा हीलर, टैरो रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड इनर चाइल्ड हीलिंग एंड मनी मैनिफेस्टेशन हीलर. सो मेरे ये पर्सनल सेशंस 1-on-1 चलते ही होते हैं एंड ऐसे वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेफिनेटली हर वीक लेके आती हूँ. सो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है तो ये 5 स्टेजेस से आप लोगों को जाना पड़ता है. आप कहीं पे भी जाइए, बट दीज 5 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू विल नॉट हील योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. सो स्टार्ट हीलिंग एंड बी स्पिरिचुअल, चूज स्पिरिचुअल पाथ. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा. वीडियो हिंदी में बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. मैं महाराष्ट्रीयन हूँ आणि मला खूप गर्व आहे की मी मराठी आहे, पण हिंदीमध्ये जेव्हा व्हिडिओ करते तेव्हा तो अजून जास्त लोकांना समजतो. बाकी दुसरा काहीच हेतू नाही आहे. माझा हा चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन पण प्रेस करा. आणि कमेंट्स तुमच्या ज्या काय असतील तुम्ही मला सांगू शकता की तुम्हाला कुठच्या विषयावरती अजून नॉलेज घ्यायला किंवा इन्फॉर्मेशन घ्यायला आवडेल माझ्याकडनं, तर डेफिनेटली सांगा. टेक केअर, बी सेफ अँड थँक्यू सो मच.